हाय गाइस, वंस अगेन विद स्टडी विद कश्यप। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी पे फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमें कुछ ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना आना चाहिए कि हम जो है सिंगल लाइन्स वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर दे सकें, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन तो होते ही हैं। आज के टाइम पर डियर, हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 14 आर्टिकल से लेकर 32 आर्टिकल के अंडर आते हैं और इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के अंदर आते हैं। उसका फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इसमें हमें ये बताया गया है कि जो लोगों की इक्वालिटी है लॉ के लॉ में, वो सबकी इक्वल है, इक्वल प्रोटेक्शन सबके लिए दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर कोई तुम्हारे सेक्स पे, कास्ट से रिलेटेड, रेस से रिलेटेड, रिलीजन, प्लेस से रिलेटेड अगर कोई तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो वो आर्टिकल 15 के अंदर हम उस पर कुछ उसके अगेंस्ट हम आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सबको हक है कि वो कोई भी इक्वल एजुकेशन के अकॉर्डिंग इक्वल जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है, पा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 17 के अंदर प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है तो आप उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो, ओके, आर्टिकल 17 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। अच्छा गाइज, इसमें ये है कि हमारा जो पर्सनल टाइटल है वो तो हम दे सकते हैं, जैसे MBBS राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बट हम जो नेशनल टाइटल्स हैं वो किसी के आगे नहीं लगा सकते, जैसे किसी के नाम के आगे भारत रत्न, सत्यमेव जयते, ये हमारे नेशनल टाइटल्स हैं, ठीक है। ये हम किसी के आगे ऐसे ही नहीं लगा सकते, ओके। नेक्स्ट हमारा है राइट टू फ्रीडम, इसमें हमारे 19-22 आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर हमारे फर्दर जो है जो पॉइंट्स हैं वो आते हैं, जो हमारी फ्रीडम्स हैं। गारंटीज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग सिक्स फंडामेंटल फ्रीडम, ठीक है। इसके अंदर हमारी सिक्स फंडामेंटल फ्रीडम्स आती हैं सिटीजन्स के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। अच्छा गाइज, इसको लर्न करने का मेरे पास एक शॉर्टकट है। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो, हमारे पास फ्रीडम होती है स्पीच, मतलब कि कुछ भी बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, ठीक है। और हम ये अकेले तो कर नहीं सकते एक्सप्रेस, हमें किसी ना किसी के साथ तो असेंबल होना ही पड़ेगा अपने जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, किसी का स्पीच करने के लिए, ठीक है। और असेंबल के बाद वो एक, जब हम किसी का असेंबल होंगे दो तीन लोग, तो वो एक एसोसिएशन बन जाएगी, ठीक है। जैसे लेबर एसोसिएशन है, ठीक है। और लेबर एसोसिएशन क्या करती है, जब उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो वो कोई भी मूवमेंट उठा सकती है, कोई मूवमेंट कर सकती है, स्ट्राइक कर सकती है अगेंस्ट, क्योंकि वो एक एसोसिएशन बन गई है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। अच्छा, जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो मूवमेंट तो करते ही नहीं रहेंगे, उनको सेटलमेंट तो कहीं ना कहीं पर करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं पर घर तो बसाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। अब वो सेटलमेंट उनकी हो गई है, सेटलमेंट के बाद उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कहीं रहना पड़ेगा, रहने के लिए उनको पैसा चाहिए, उसके लिए उनको ट्रेड करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, ओके। ये तो मेरी तरफ से शॉर्टकट थी, बाकी आप अपने तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, सॉरी गाइज। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस गाइज। अच्छा गाइज, ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध करना। तो इसमें क्या होगा कि मतलब कि जिस टाइम पे उसने जो अपराध किया था उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर
अगर तब उस पे जितने पैसे की पेनल्टी लगाई गई थी तो अब भी उसको उतनी ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर मतलब कि लॉ में कुछ चेंजेस आ गया है तो अब के अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी, जो पहले पनिशमेंट का टाइम था उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोफेशनल लिबर्टी। ठीक है, हमें अपनी लाइफ को जीने का लिबर्टी है, हम जैसे मर्जी रह सकते हैं। आर्टिकल 21 है, ये आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। गाइज, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है। आर्टिकल 22 है नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अच्छा गाइज देखो इसमें क्या है कि अगर हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, हम अगर कुछ गलत कर देते हैं तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसमें जाकर मतलब कि अगेंस्ट कोर्ट में जाकर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम अपना वकील वगैरह कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग प्रोहिबिटेड। अच्छा गाइस, इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी को मतलब कि फोर्सली लेबर नहीं कर सकते हैं, हम किसी जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं। ये नहीं है कि हम गांव में किसी से भी काम करवा लिया और बाद में उसको उसके मतलब कि वेजेस दिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ये नहीं है कि हम किसी भी जैसे होता है ना औरतों को बेच देते हैं, आदमियों को बेच देते हैं, ये सब जो है इसके अंडर आता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट हम इसमें मतलब विरोध कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 24 नेक्स्ट, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें कि जो 14 ईयर से एज जिन बच्चों की कम है उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट का हक नहीं है, अगर जो उनसे करवाता है उनको पनिश किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। गाइस, इसमें रिलीजन से रिलेटेड हमारी फ्रीडम जो है वो एडमिट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग अपने जो रिलीजन है उसको चूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर। ठीक है, हमारा जैसे दिल करता है हम अपने वैसे रिलीजन के अफेयर्स जो है कर सकते हैं, अपने घर पे जो चाहे वो कर सकते हैं, रिलीजन से रिलेटेड जो भी हमें कुछ करना है। आर्टिकल 27 में है प्रोहिब्स टैक्सेस ऑन रिलीजन ग्राउंड। अच्छा, इसमें यह है कि अगर रिलीजन के बेस पर हमसे कोई टैक्सेस लेता है तो वो प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 27 के अंदर। ठीक है, कोई टैक्सेस रिलीजन के नाम पे जो है नहीं लिए जाएंगे। आर्टिकल 28 में क्या है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपने रिलीजन से रिलेटेड सेरेमनीज करना चाहते हैं, कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो हमें उनकी फुल फ्रीडम है। अच्छा, नेक्स्ट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, इसमें हमारे थ्री आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, इनमें माइनॉरिटीज की जो है प्रोटेक्शन के बारे में है कि माइनॉरिटीज को फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी। अच्छा गाइज, इनको प्रोटेक्शन क्यों दी जाएगी, क्योंकि जिनकी मेजोरिटी ज्यादा है, जिन लोगों की मेजोरिटी ज्यादा है हमारी कंट्री में, अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी तो वो इनको डोमिनेट कर देंगे, इसलिए इनको हमें जो है प्रोटेक्शन के लिए इनको आर्टिकल के अंडर रखा गया है। अच्छा, नेक्स्ट है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटीज को मतलब कि पूरा राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे दिल्ली में हमारा जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो खुद चला सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है जैसे जो दिल्ली में हमारी जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वो माइनॉरिटीज ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो खोला हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है आर्टिकल 31, ओमिटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, ये इसको ओमिट कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। आप इसके बारे में नेट से सर्च करके मुझे कमेंट में लिखेंगे 44th अमेंडमेंट में क्या है। ओके, नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा गाइज, ये जो आर्टिकल है इसमें एक सिंगल आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायोलेशन। अच्छा, ये सभी जो आर्टिकल हमने अभी तक पढ़े हैं ये सबका एक समूह है। इसमें क्या, अगर कोई भी जो आर्टिकल है उसको वायोलेट किया जाता है, उसके अगेंस्ट किया जाया जाता है, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट जो है केस कर सकते हैं। ठीक है,
अगर जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, इसके अगेंस्ट कुछ भी मूवमेंट होती है तो हम उस सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। और आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जो है कोई ऊपर कोर्ट तो है नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हाईएस्ट है, इसलिए वहां पे हम केस कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखो मैंने लिखा है कोल्ड सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द बी आर अम्बेडकर। अच्छा गाइज ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 32, इसको सोल और हार्ट कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। सो प्लीज 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 लाइक माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे आपके आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज देती रहूंगी जो आपकी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच। हाई गाइज वंस अगेन विद स्टडी विद कश्यप। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी पे फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमें कुछ ज्यादा